शहर में अवैध ईंट भट्टों को संचालित करने वाला एक खास समुदाय इन दिनों जेसीबी से अवैध खुदाई कर मिट्टी परिवहन करने का काम कर रहे हैं, लिहाजा राजस्व का भारी नुकसान और बरतुंगा वासियों का निकलना दूभर हो चला है। दरअसल विशेष समुदाय के लोग ये कहकर धड़ल्ले से ईंट भट्टों का काम कर रहे हैं कि उन्हें सरकार ने ईंट भट्टा संचालित करने का छूट दे रखा है। इलीछूट भट्टों में लगने वाली मिट्टी की होड़ में जेसीबी लगाकर मिट्टी की जमकर खुदाई की जा रही है। मिट्टी परिवहन के लिए भारी मात्रा में कृषि कार्य के नाम से रजिस्टर्ड ट्रैक्टरों का उपयोग धड़ल्ले से जारी है। मिट्टी परिवहन के दौरान डीएवी स्कूल से बड़ा बाजार आने जाने वाले मार्ग में धूल इस कदर प्रभावित होती है कि बरतुंगा में रहने वाले लोगों का आना जाना मुश्किल हो चला है। अवैध खुदाई के दौरान इन कारोबारियों ने न सिर्फ सड़क के किनारे सैकड़ों फीट खाई बना दिया बल्कि कॉलड्रिक के लगे बिजली के खंभों को भी उखाड़ दिया गया है। फिलहाल मामला राजस्व और खनिज अधिकारियों के पाले में है। क्या कहते हैं स्थानीय निवासी, आप भी सुने। उक्त मामले की जानकारी के बाद यदि राजस्व और खनिज विभाग कार्यवाही नहीं करता है तो ये समझना सही होगा कि कहीं ना कहीं उत्खनन मामले में राजस्व विभाग जानबूझकर ढुलमुल रवैया अपना रहा है। के पार्षद प्रतिनिधि हैं, ये जो बगल में खुदाई हो रहा है, जो डस्ट उड़ रहा है, उस बारे में क्या जानते हैं और कहां शिकायत की आपने? देखिए, मैं जो है जब मुझे इसकी जानकारी मिली, जब मैं मेरा आना जाना रोज का हल्दीबाड़ी और अन्य क्षेत्रों में रहता है, मैंने जब पहली बार अपने ऑफिस से, यहीं पे नज़दीक मेरा ऑफिस है, जब मैं अपने नज़दीक से जा रहा था तो मैं देखा रात में जेसीबी की आवाज़ मुझे सुनाई दी। और जब मैं आया तो मैं सबसे पहले जो खुदाई कर रहे थे उनसे मैंने बोला कि भाई ये किसके परमिशन से कर रहे हैं, क्या आपको परमिशन मिला है क्या? तो उन्होंने बोला परमिशन नहीं मिला है। तो मैं फिर क्यों कर रहे हैं आप? तो बोले हमको भैया मिट्टी चाहिए। तो मैं कहा मिट्टी चाहिए तो आप यहाँ से कहीं से भी लेके जाइए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, ये मेरा क्षेत्र है और यहाँ से आप मिट्टी नहीं ले जा सकते क्योंकि ये अनलीगल है, राजस्व का नुकसान भी हो रहा है। फिर इस संबंध में मैंने अपने फेसबुक से लाइव भी किया उसको, और जो संबंधित अधिकारी हैं, खनन अधिकारी जो होते हैं, माइनिंग के जो अधिकारी हैं, उनसे मैंने फ़ोन से भी बात किया, उनको वीडियो भी भेजा। उन्होंने बोला ठीक है, मैं अभी छुट्टी में हूँ, मैं 5 तारीख के आसपास आऊँगा और मैं आ करके देखता हूँ। उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर हमने कलेक्टर साहब को भी उनके पर्सनल मोबाइल पर वीडियो भी भेजा है, SDM साहब से भी मेरी बात हुई। लगभग मैं सभी जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं सभी से मैं पत्राचार कर रहा हूं, मौखिक रूप से बात कर रहा हूं, मगर अभी तक कोई भी इस पर एक्शन नहीं हुआ है। क्या कह सकते हैं कि मिली जुली सरकार पे ऐसा हो रहा है? देखिए, जब से सरकार छत्तीसगढ़ में परिवर्तित हुई है, भाजपा की सरकार आई है, कुछ न कुछ आए दिन घटना देखने को मिल रहा है। प्रदेश स्तर से लेकर के छोटे स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये अवैध रूप से जो मिट्टी का खुदाई चल रहा है, इससे शासन प्रशासन को बहुत राजस्व का नुकसान हो रहा है और आम जनता जो बहुत परेशान है। सामने स्कूल है, बगल में रोड है, रोड मिट्टी की वजह से रोड कटने का डर है, रोड में इस तरह से अवैध रूप से वाहनों का परिवहन किया जा रहा है इस मिट्टी के उत्खनन के लिए, जिसका कोई सीमा नहीं है। सभी अनरजिस्टर्ड हैं, RTO का नुकसान हो रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है, हर तरह से नुकसान ही नुकसान है। देखिए, हमने उनको कई बार मौखिक रूप से सूचना दिया है, उन्होंने बोला मैं दिखवाता हूँ, उन्होंने बोला दिखवाता हूँ, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम है तहसीलदार को? तहसीलदार को मिश्रा जी हैं। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ पर खुदाई चल रहा है मिट्टी की, आप देख सकते हैं बगल में SECL भी है और ये प्राइवेट लैंड को भी खोदा जा रहा है, इस मामले में आप क्या कहेंगे और कहाँ इसका जानकारी दिए हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो ये हो रहा है, एकदम जब से प्रदेश में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ नहीं अपराध का गढ़ बन गया है। तमाम जगह आप देखे होंगे अभी चाकूबाजी और भी कई तरह के अपराध यहाँ पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं। उसी का एक छोटा रूप यहाँ पर भी हम लोगों के क्षेत्र में यहाँ चल रहा है और हम लोगों ने इस पर कई बार मौखिक शिकायत की है जिला प्रशासन को भी। अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ? किसी प्रकार का कोई कार्रवाई तो नहीं हुआ अभी। सुनने में आता है कि राजस्व अधिकारी तहसीलदार यहीं से रोजाना गुजरते हैं, इस बारे में? जी, महज 500 मीटर की दूरी पे यहाँ पर राजस्व अधिकारी तहसीलदार जी का निवास स्थान है और यहाँ से लगातार वो यहाँ से आना जाना कर रहे हैं। अब वो क्यों नहीं देख पा रहे हैं, काहे नहीं देख पा रहे हैं, ये तो वही बता पाएंगे, मैं तो नहीं बता पाऊँगा।